और आज बनाएंगे हम कोलार भाजी। ये कोलार भाजी एकदम ताज़ी और फ्रेश है, ऐसे हमने मार्केट से लाया है, हरी हरी कोलार भाजी। और चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हम। इसे हम अच्छे से साफ कर लेंगे धो के। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम कोलार की भाजी। और कोलार भाजी बनाने के लिए हमको दाल चाहिए, तो हमने ले लिया है चना दाल। और चना दाल को हम बॉईल करेंगे। एक कटोरी हमने चना दाल ले लिया है, उसको थोड़ी देर तक बॉईल कर लेंगे। साथ में हमने ले लिया है कोलार भाजी, जो गर्मियों के मौसम में ही मिलता है हमें। काफ़ी हरे भरे बुहार भाजी हमने लिए हैं, ताज़ी एकदम फ्रेश भाजी है। और ये हमारी चना दाल बॉईल हो चुकी है, हमें हल्का ही इसे बॉईल करना है। ये उबल चुके हैं तो इसे फ्लेम कम कर देंगे और पानी को हटा देंगे। हमने इसे पानी हटा लिया है, अब इसमें हम सीधा ऐड कर देंगे भाजी को। कोलार भाजी काफ़ी पौष्टिक होता है और ये सिर्फ हमें गर्मियों के सीजन में मिलता है, छत्तीसगढ़ की स्पेशल भाजी, हरी हरी भाजी। सीधा इसे तोड़ के साफ करके इसे डाल देना बर्तन में। ऐसे हमें काटना नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ता इसे। लो फ्लेम में से हम कुछ देर पकने देंगे। इसमें डालने के लिए हमने तीन टमाटर ले लिया है, तीनों को बारीक कट कर लेंगे, फटाफट कट कर लेंगे। इसे हम सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे झटपट। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत महंगी भी मिलती है ये मार्केट में अगर जाके लोगे तो। इसमें टमाटर थोड़ा खूब सारे इसलिए डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट टमाटर से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आता है। तीन हमने मीडियम साइज के टमाटर लेंगे और साथ में लेंगे हम दो से तीन हरी मिर्च, उसे भी इसी में साथ में काट लेंगे। सबको ऐड कर देंगे इसमें, टमाटर मिर्च को और मिक्स कर देंगे। बहुत जल्दी पकने वाली भाजी है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक चीज़ और डालेंगे जल्दी ये पकने के लिए, इसमें हम नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि भाजी पकने के बाद थोड़ी कम होती है, तो इसमें क्या है हम अपने अनुसार से नमक डाल देंगे। मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार और फिर मिक्स कर देंगे। जैसे नमक पड़ने से ये टमाटर और भाजी जल्दी पक जाएगी। और ये इसे 10-15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। इसे अच्छे से पलट देंगे ताकि जो टमाटर है अच्छे से गले, चिपके ना, और मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे हम। तक हमारा वो भाजी भी रेडी हो गया है। इसमें बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और जो टमाटर है वो भी गल चुके हैं। थोड़ी देर और पकाएंगे।
बाजी तो पक चुकी है, अब इसे हम फोरन लगाएंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। सारे मसाले जिसे हमने कट किया था और अच्छे से भून लेंगे। इसमें डालना है प्याज, लहसुन और लाल मिर्च। ये इसका तड़का है, भाजी का तड़का। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा इसको लाल होने तक भूनेंगे। ये अच्छे से भून चुकी है, अब इसमें डाल देंगे हम भाजी को। मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये बनकर रेडी है हमारी भाजी। गैस बंद कर देंगे। ये हमारी भाजी तैयार है, झटपट बनने वाली है। कोलार भाजी छत्तीसगढ़ की स्पेशल डिश में है ये भाजी। आप भी बनाइए और ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए।